शांति। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं कि इन अमूल्य रत्नों ने, ज्ञान रत्नों को कितना धारण किया है। प्यारे बाबा ने सब बच्चों को एक जैसे ज्ञान रत्न दिए, लेकिन कोई इन ज्ञान रत्नों को स्वयं जीवन में धारण कर औरों को करा रहे हैं। अखूट खजाने हैं, घुटने वाले नहीं है, ऐसी समझ अपने में धारणा करते हैं। और कोई है जो धारण कर औरों को कराते हैं, औरों को भी धारणा कराते हैं। ज्ञान एक है, बाबा एक है, श्रीमत एक है, लेकिन बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा करते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे रतन समुद्र में जितनी गहराई में जाओ तो लक्ष्मी थालियां भर भर के लाती थी, ऐसे एक कहावत है। तो यहाँ पर भी जितना हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो ज्ञान रत्नों को डीपनेस में जा कर के निकालते हैं और स्वयं में भी धारणा करते और उनको भी धारण कराते। बाबा ने कहा ये ज्ञान खजाना भी है। कई बच्चे धन, ज्ञान धन को बढ़ाते हैं। कहा जाता है ना, धन दिए धन ना खूटे। तो जितना धन दान करते हैं उतना बढ़ता जाता है। बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे भी मनहूस होते हैं जो बैंक में डाले रखते हैं, चले जाएं तो बैंक वाले खा लेते हैं ना। अगर उस पैसे को भी यूज नहीं करते स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, तो है ना है बराबर है तो भी, ना है तो भी। लेकिन अगर हम उसको दान करते हैं, औरों को देते हैं, तो वो बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे मेरे सब बच्चे हैं, कोई बढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आज बाबा के 30/5/21 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, रिवाइज है 10/1/88। मुरली की हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अकुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा कर रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारणा तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। दिमाग तक है, बुद्धि तक है, लेकिन जीवन में धारण नहीं है तो वो खुशी नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, विघ्न विनाशक नहीं बनते, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम धारणा में लाते हैं तो खुशी भी मिलती है,
शक्ति भी प्राप्त होती है, शांति भी मिलती है और निर्विघ्न भी बनते हैं। इस कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना धारण करना, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ दिल में दिलासा रहता है हमारे पास है, इतना धन है, बैंक बैलेंस है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़ी समय के लिए अच्छे पॉइंट का नशा अच्छा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है और रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, रत्न भी है, रोशनी भी है। ज्ञान माना समझ और रोशनी माना लाइट, लाइट है ना, तो लाइट रहना, और शक्ति माना समय पर उन शक्तियों को यूज करना। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है व अनुभूति नहीं होती। तो ज्ञान पढ़ाई भी है, तीन बातें और बाबा ने बताई, ये तीन बातें बताई, और ये तीन बातें, ये पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है और ज्ञान शस्त्र भी है। पढ़ाई माना पढ़ना है और लड़ाई माया से लड़नी है, और जो बाबा ने ज्ञान के शस्त्र दिए हैं उन शस्त्रों को यूज कर माया पर विजय प्राप्त करनी है। तो लड़ना माया से है, ना कि व्यक्तियों से। तो ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य, मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। तो ज्ञान भी है, शस्त्र भी है। अगर मायाजीत बनने के लिए है आपके पास शस्त्र और ज्ञान भी, कैसे यूज करना है उसको। मायाजीत बनने के लिए समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया ना, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, बाबा ने जन्मते ही अधिकारी बना दिया, सबके पास है, अधिकारी हैं, लेकिन भरपूर रहने में नंबर वार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने के आधार पर, अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बनता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। कहा जाता है ना, इसका ब्लड ग्रुप ये है, इसका ब्लड ग्रुप ये है, तो बना कैसे वो ब्लड खाने से। ऐसी मनन शक्ति से पाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा चढ़ता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तल्ले में जाकर, सागर के तल्ले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना, सिर्फ रिपीट नहीं करना लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है
और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिस में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ, माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया इस परिस्थिति के प्रमाण वह विघ्न प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं व बनाने वाले हैं। वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी। वह समय व्यर्थ गया इससे सिद्ध है विधि यथार्थ नहीं है। तब सिद्धि नहीं मिले ना, यूज करने का तरीका भी चाहिए। कोई भी वस्तु को जैसे यूज करने का तरीका चाहिए तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ऐसे ही बाबा ने जो ये सर्व शक्तियाँ दी है, ज्ञान दिया है, समय पर यूज करना आना चाहिए, अभ्यास भी चाहिए, दोनों चाहिए, तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल पंप्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे तो अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता है जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अमूल्य है। बाबा ने कहते हैं ना, साकार होने एक एक वर्सेंस लाखों करोड़ों का है, लेकिन अगर उसको यूज नहीं करते, यूज करना नहीं आता तो उसके लिए तो पत्थर के समान ही हुआ, क्या जाने वो उसकी वैल्यू को। ज्ञानी आत्माएं, अनुभवी आत्माएं, अधिकारी आत्माएं, विघ्न विनाशक आत्माएं ही इन अमूल्य रत्नों को जानती हैं और जान करके समय पर यूज करती हैं। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से, समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने से, प्रयत्न तो करते हो इसलिए धोखा खा लेते हो, कोशिश करते हैं पर यूज करना नहीं आता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे जो सोचता रहेगा फिर करेगा भी नहीं। कुंभकर्ण उसने क्या अलबेलापन किया, ये सोचा ना कि आने दो आएंगे तो जीत लेंगे, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो ही जाएगा, अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाओ। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त रोज जो रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण कर लो और जो चार बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो, दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और भी सोचते रहते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि को फुल अटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है।
मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अगर एकांत का समय मिलता है तो और भी अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं यह तो हो गया, यह अब क्या करें। अब कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है, स्थिति का अनुभव करना ही नहीं आता, तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, इतने जन्म इतनी आयु इतना समय आदि आदि, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना है। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज से राजयुक्त बनना, ऐसा हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान के पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो स्मर स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया, पिछली मुरली में बाबा ने क्या सुनाया था याद है, इसका कारण अगले बार भी सुनाया, कहीं ना कहीं लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह होती नहीं और अपने को खुश कर लेते हैं, आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दे दिया। लेकिन स्मर्थ संकल्प स्मर्थ स्थिति शक्तिशाली याद रही, अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, दोनों का बैलेंस नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति मगन स्थिति की शक्ति दोनों से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, बाबा से लिंक सदा है, मनन कर रहे हैं मगन अवस्था है तो लिंक बना हुआ है, तो लिंक जुड़ने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति चाहें, बीज रूप स्थिति की चाहें, फरिश्ता रूप की चाहें, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान की स्मृति बीज रूप स्थिति की, ज्ञान की स्मृति तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। ज्ञान किसका है, ज्ञान सागर बाप का, तो ज्ञान की स्मृति रहने से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है, कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई।
माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना और सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करती हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है तो थोड़े समय में, अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा। समय को देख रहे होना और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं तो समय अर्थात रचना और रचता से भी तेज हुई ना। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे ही समय पर तो पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी रुकते नहीं है, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तब सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी अच्छा निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हो उसका जपा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का अमूल्य ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसी सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का ज्ञान प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों के बाप दादा को ज्ञान प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। तो आज के महावाक्य आप सबने सुने, मनन शक्ति मगन रहना, अमूल्य रत्न हो, रत्नों को बाप दादा देख रहे हैं, कैसे किस प्रकार से हम रत्नों को यूज करते हैं और कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, सब बाबा ने स्पष्ट किया। आज का वरदान है तीन बातें बाबा ने, उसमें भी तीन बातें तीन 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 बताई, और इसमें भी एक है तोड़ना और दूसरा है मोड़ना और तीसरा है जोड़ना। तोड़ना क्या है? कर्म बंधनों को तोड़ना है। और जोड़ना क्या है? तोड़ने के बाद अपने मोड़ना, तीसरा तोड़ना।
स्वभाव संस्कारों को मोड़ना। जो हमारे पहले पुराने बीते जन्म के संस्कार हैं, बीता जन्म हमारा शूद्र बने का था, उसमें हमारे संस्कार तंग होने के, तंग करने के, परेशान होने के, अशांत होने के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अगले की भावना के, ये सब संस्कार हमारे पुराने थे। अब हमें अपने संस्कार बाप समान बनाने हैं। सुख देने वाले, दुआएं देने वाले, प्यार देने वाले, सहयोग देने वाले, स्नेह देने वाले, ये संस्कार हमको बनाने हैं। क्योंकि नए संसार में जाना है तो सबसे पहले संस्कार ही तो बदलने हैं। और बाबा जो योग अर्थात राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग सबसे पहले पुराने संस्कारों को परिवर्तन करता है, जिसको बाबा ने मोड़ना कहा है। तो तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी बनो। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह तीन शब्द हैं। सारी पढ़ाई का आधार, शिक्षाओं का आधार, बाबा ने कहा ये तीन शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। अगर देह का भान ही तोड़ दिया, देह सहित बाबा हमेशा बोलता है, तो सब कर्म बंधन टूट जाएंगे, आप भी टूट जाएंगे। मेहनत सारी यही है कि हम देह के भान में बार बार आ जाते हैं, अभ्यास भी करते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी टूटता नहीं, बार बार आ जाता है। तो सबसे पहले देह के भान को क्या करना है, तोड़ना है, फिर कर्म बंधन स्वतः ही टूटेंगे। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना, जो बताया कैसे मोड़ेंगे, इसमें भी योग बल चाहिए, बाबा की याद चाहिए और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना। ये सहज है या मुश्किल? कदम पर कदम रखना सहज होता है, मुश्किल नहीं होता। जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हमको करना है, दीदियों ने किया, दादियों ने किया, वो हमें करना है। जो शिक्षाएं, मर्यादाएं श्रीमद बाबा ने दी, प्रैक्टिकल में हमारी दादियों ने किया, तो बस हमें वही करना है जो बाबा ने और दादियों ने किया। स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है और बुद्धि योग संसार में ही भटकता है। अगर हमारा संसार बाबा हैं और सारे संबंध हमने बाबा से जोड़ लिए, तो बार बार बुद्धि योग बाबा के पास जाएगा, बाबा मेरा संसार है, सब कुछ मेरा बाबा है। तो ये है सर्व संबंध जोड़ने। यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। कर्मातीत बाबा कहते हैं ना, तो कर्मातीत अवस्था को पाना है तो ये तीन शब्द ना केवल याद रखने, लेकिन प्रैक्टिकल में तीनों शब्दों को सारा दिन में समय पर यूज करना। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, अब इसका तीव्र पुरुषार्थ कौन सा है, जो रोज रोज बाबा कहते हैं अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये संसार कब्रिस्तान है, ये दुनिया मरी पड़ी है, ख़त्म होनी है, बम्बोर को आग लगनी है। सदा ये स्मृति में रहे जो विनाशी चीज़ें हैं देखते हैं, वो सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो। बुद्धि योग सदा वहाँ लगा रहे जिस दुनिया में हमें जाना है। जो बाबा कहता है साकार मूल्यों में कि लौकिक में भी नया मकान बनता है तो बच्चों की बुद्धि नए मकान में जाती है। शिव बाबा भी बच्चों के लिए नया मकान, नई दुनिया ला रहे हैं, तो हमारा बुद्धि योग नई दुनिया अर्थात स्वर्ग वैकुंठ सत्यों की दुनिया में लगा रहे, उसको हम देखते रहें कि ये दुनिया गई की गई और वो दुनिया आई की आई। कल, आज और कल, कल वो पुरानी दुनिया जो ख़त्म हो रही है, हम संगम पर है, और कल आने वाली नई दुनिया आ रही है। तो बाबा कहते कभी भी तुम्हारी हार नहीं हो सकती। तो सदा तीन शब्द याद रहेंगे ना। स्लोगन है, योगी की निशानी है दो शब्द। आज शब्द बाबा दो 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 बातें बता रहे हैं। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। बुद्धि हमारी क्लीन रहे और सदा क्लियर रहे। योग तभी लगता है ना, बुद्धि में कुछ भी नेगेटिविटी ना हो।
आज का होमवर्क बाबा सभी को होमवर्क दे रहे हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, सेवा केंद्र पर रहने वाले, गीता पाठशालाओं वाले, क्लासेज में रहने वाले, अपने घरों में रहने वाले, आप चारों ओर सेवा केंद्र व प्रवृत्ति के स्थान को क्या बनाना है? इतनी सुंदर बाबा ने बात बताई, क्या बनाना है? शांति कुंड, शांति कुंड बनाओ। ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं, कितनी शांति है घर परिवारों में वर्तमान समय। इसके लिए योग का किला मजबूत करो, शांति कुंड बनाने के लिए योग का किला मजबूत करो। किले को मजबूत करने का साधन है, कैसे किला मजबूत होगा उसका साधन है प्योरिटी। सब ब्रह्मचर्या में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्या अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क पवित्रता हो, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प ना हो, प्योरिटी। जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं वहाँ के वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं, ना केवल घर परिवार लेकिन विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की शक्ति जो महान है, उसकी महानता को जानकर मास्टर शांति देवा बनो। आरती में गाते हैं ना, तो वो सिर्फ गाते हैं लेकिन बाबा कहते हैं इस पवित्रता की शक्ति को जान करके आप महान आत्मा बनो। तो फिर क्या होगा, कैसी भी आत्मा आत्मा को शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाएगी। कैसी भी आत्मा इम्प्योर आत्मा होगी, हमारी पवित्रता की शक्ति के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे उस आत्मा को भी पवित्रता की शक्ति से, शांति की शक्ति से वो अनुभूति हम करा पाएंगे। और जब अनुभूति कराएंगे तो शांत हो ही जाएंगे। तो ये होमवर्क बाबा ने जो कहा, घर घर को, सेवा केंद्र को शांति कुंड बना दो। कोई भी अचानक अननोन आत्मा आए वो अनुभूति करे कि अरे क्या बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है, उसका आधार बाबा ने बोला पवित्रता और शांति।